कहानी की शुरुआत एक नॉर्मल और शांत दिन से होती है, लेकिन अचानक शहर में एक धमाका होता है। इस धमाके से शहर के सभी लोग घबरा जाते हैं। धमाके वाली जगह पर एक मॉन्स्टर मौजूद होता है। वो अपनी पावर से पूरे शहर में धमाके कर रहा होता है। हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में एक आदमी कहता है, क्या कोई अवेलेबल है? उसके जवाब में एक लेडी कहती है, हमें सुनने को मिला है कि लाइटनिंग मैक्स और स्माइल मैन पहले ही निकल चुके हैं। धमाके वाली जगह में लाइटनिंग मैक्स और स्माइल मैन घायल पड़े होते हैं और वो मॉन्स्टर सिटी के अंदर जा रहा होता है। दूसरी तरफ एक न्यूज रिपोर्टर इंसिडेंट को रिकॉर्ड करते हुए कह रहा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे से बड़े धमाकों की आवाज़ आ रही है। जो तबाही उस मॉन्स्टर ने मचाई है वो अलग लेवल पर है। ये धमाके सिटी ए में हुए हैं और हीरो एसोसिएशन करंटली थ्रेट लेवल का पता लगा रही है। इतना कहते ही न्यूज़ अचानक बंद हो जाती है। एक टकला आदमी वो न्यूज़ देख रहा होता है और कहता है, शायद अब मुझे ही जाना होगा। वो शख्स अपने सुपर हीरो सूट में बाहर आता है और वो होता है वन पंच मैन। सिटी ए बुरी तरीके से तबाह हो चुकी है और उधर एक छोटी बच्ची अकेले रो रही होती है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर हमला करता है, लेकिन अचानक वो बच्ची गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वन पंच मैन वहाँ पहुँच कर उस लड़की को बचा लेता है। वो मॉन्स्टर वन पंच मैन से कहता है, अब तुम कौन हो? वन पंच मैन मुस्कुराते हुए कहता है, एक लड़का जो हीरो बना मजे के लिए। वो मॉन्स्टर कहता है, ये किस तरीके की फालतू बैक स्टोरी है। फिर वो मॉन्स्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं उस लगातार फैलाए जाने वाले पॉल्यूशन से बना हूँ जिसे तुम इंसानों ने अर्थ को दिया है। मैं वैसी मैन हूँ। अर्थ एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म है और तुम इंसान कुछ नहीं, एक बीमारी फैलाने वाले कीड़े के अलावा जो अर्थ की ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। इंसानों और उनकी बुरी सभ्यता को ख़त्म करने के लिए अर्थ ने मुझे जन्म दिया है, और तुम ये कहते हो कि तुम ये मज़े के लिए करते हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे सामना करने की, अपने इस बेहुदा रीज़न की वजह से? ये कहते कहते वो मॉन्स्टर एक भयानक रूप ले लेता है, पर वन पंच मैन को इससे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। वैक्सीन मैन की बात पूरी नहीं हुई होती कि वन पंच मैन उसे एक पंच मारकर उसके चीथड़े उड़ा देता है। लेकिन वन पंच मैन काफ़ी निराश हो जाता है और अपने मन में कहता है, दोबारा नहीं, सिर्फ एक पंच। अब 3 साल पहले एक मॉन्स्टर शहर में उधम मचा रहा होता है। सभी उससे डर के भाग रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा रहता है। मॉन्स्टर कहता है, क्या तुम्हें यकीन है तुम भागना नहीं चाहते? मैं शर्त लगाता हूँ, तुम्हारी नई नौकरी लगी है और तुम अपने काम से परेशान हो चुके हो। वैसे मैंने बहुत सारे क्रैप्स खाए और ये देखो मैं क्या बन गया। वो आदमी कहता है, ठीक है पर इतना काफ़ी नहीं, मेरी कोई नौकरी नहीं लगी, मैं बेरोज़गार हूँ, इस वक्त मैं एक जॉब की तलाश में हूँ। मैंने आज एक और इंटरव्यू दिया और उन्होंने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं किसी भी चीज़ के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता। मैं इस वक्त भागने के मूड में नहीं हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक खतरनाक क्रैबलेंट मेरे सामने खड़ा है। तो तुम क्या करोगे अगर मैं भागा नहीं? क्रैबलेंट मुस्कुराता है और उसकी आंखों की तरफ हाथ करते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरी तरह हैं, लाइफलेस, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। और वैसे भी अभी मेरा शिकार कोई और है, एक बड़ी चीन वाला बच्चा, और जब मुझे वो मिलेगा मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। फिर क्रैबलेंट और वो आदमी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी रास्ते में उस आदमी को वो बड़ी चीन वाला लड़का दिखता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये आदमी ही वन पंच मैन है और इसका असली नाम साइतामा है। साइतामा अपने मन में कहता है, एक बड़ी चीन वाला बच्चा, अगर क्रैबलैंड ने इसको पकड़ लिया तो वो इसे मार देगा। उसके बाद साइतामा उस बच्चे से पूछता है, तुमने उस क्रैब मॉन्स्टर के साथ क्या करा है? वो बच्चा जवाब देता है, हाँ वो पार्क में सो रहा था और मैंने अपने मार्कर से उसके चेस्ट पर निपल्स ड्रॉ कर दिए। साइतामा कहता है, ये पक्का वही है, इस बच्चे को पता भी नहीं कि इसने करा क्या है। अब मैं क्या करूँ, मैं अभी भी इसकी मदद कर सकता हूँ, पर यार ये बच्चा बिल्कुल क्यूट भी नहीं है, इससे मुझे कुछ लेना देना भी नहीं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बिल्कुल, मेरा मतलब आखिर फर्क ही किसे पड़ता है? साइतामा वहाँ से जाने ही वाला होता है कि क्रैब मॉन्स्टर वहाँ पहुँच जाता है और उस बच्चे से कहता है, ढूंढ लिया। इतना कहते ही क्रैबलैंड बच्चे पर हमला कर देता है, लेकिन साइतामा बच्चे को बचा लेता है और अपने मन में कहता है, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ? साइतामा उस बच्चे को बैठाते हुए कहता है, हे बच्चे ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे पीछे है, यहाँ से भाग जाओ, मेरे बारे में चिंता मत करो, बस जाओ। क्रैबलैंड कहता है, ओए ये कैसा आइडिया है, अब मुझे ये मत कहना कि तुम उस बच्चे को बचाने वाले हो। साइतामा कहता है, अरे छोड़ो भी, तुम इसे मार दोगे, वो भी एक छोटे से प्रैंक के लिए, एक बार सोचो। क्रैबलैंड कहता है, मैं पहले ही बहुत लोगों को मार चुका हूँ जो भी मेरे लुक्स का मजाक उड़ाता है। वो मारा जाता है, इस बच्चे ने मेरे पर निपल्स ड्रॉ कर दिए, वो भी परमानेंट मार्कर से, और देखो इन क्लॉज को, मैं टावल से इसे वाइप भी नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम कभी भी जॉब ढूंढने के काबिल नहीं बचोगे। साइतामा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है,
अभी ये मेरे दिमाग में आया कि तुम एग्जैक्टली उस एनिमे के विलन जैसे लगते हो जो मैं देखा करता था। तभी क्रैबलैंड साइतामा को अपनी क्लॉज मारता है और वो दूर जाके गिरता है। फिर क्रैबलैंड उस बच्चे के पास जाके कहता है, अब मरो। वो बच्चा बहुत डर जाता है। क्रैबलैंड पर साइतामा पत्थर फेंक कर कहता है, इसे यहीं रोक दो, मैं तुम्हें एक बच्चे को नहीं मारने दे सकता, वो भी एक ऐसी सदी में जहाँ बर्थ रेट नीचे गिर रहे हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है, जब मैं बच्चा था तब मुझे एक हीरो बनना था, ना कि कोई बिजनेसमैन, एक ऐसा हीरो जो तुम जैसे विलन्स को एक ही पंच में हरा दे। अब आ जाओ, क्रैबलैंड साइतामा पर अपने क्लोज से हमला करते हुए कहता है, तुम हीरो नहीं एक लीचड़ हो, तुम्हारा मेरे से कोई मुकाबला नहीं, तुम्हारी जिंदगी अब खत्म होती है। इतना बोलते ही वो साइतामा पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन इस बार साइतामा उस हमले से बच जाता है और जंप करते हुए अपनी टाई क्रैबलैंड की आंखों में डालकर खींच लेता है और क्रैबलैंड की आंख उसके शरीर से अलग कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बिग चिन वाला बच्चा वहीं खड़ा सब देख रहा होता है। वो क्रैब मॉन्स्टर हार जाता है और साइतामा ने उस बच्चे को बचा लिया। अब प्रेजेंट में वन पंच मैन मार्केट में क्रैब खरीदने आया होता है। वो अपने मन में कहता है, उस दिन के बाद मैंने बहुत ट्रेनिंग करी और मैं टकला हो गया, मैं इतना पावरफुल बन चुका हूँ कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं वो हीरो हूँ जो मैं बनना चाहता था। तो ये हो क्या रहा है, क्या गलत है, क्यों मेरा दिल खाली खाली सा लगता है। साइतामा शॉपकीपर को पैसे दे रहा होता है कि भूकंप आने लगते हैं और सब वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन साइतामा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तभी एक बड़ा सा पैर साइतामा के पीछे से निकलता है और वहाँ सब तबाह हो जाता है। सिटी के ऊपर एक बहुत ही जाइंट पैर के निशान होते हैं जिसने सब तबाह कर दिया है। वो जाइंट मॉन्स्टर आगे बढ़ रहा होता है, उसके कंधे पर एक साइंटिस्ट खड़ा होता है और कह रहा है, ये इनक्रेडिबल है लिटिल ब्रदर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये केमिकल इतना अच्छा काम करेगा। वो जाइंट ह्यूमन साइंटिस्ट से कहता है, ये उससे कहीं ज़्यादा है जितना मैंने सोचा था बड़े भाई, मेरा गोल था दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, दैट वॉज माई ड्रीम। इस जाइंट ह्यूमन के भाई ने उसको एक केमिकल दिया जिससे वो एक जाइंट ह्यूमन बन गया। वो साइंटिस्ट कहता है, तुम्हारी ताकत और मेरा दिमाग अगर इन दोनों को मिला दें तो हम इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। जाइंट ह्यूमन पूरी सिटी पर अटैक करने लगता है, उसके सिर्फ हाथ घुमाने से ही आसपास की सभी चीज़ें तबाह हो जाती हैं। फिर वो दूसरे शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। एक सिटी में एमरजेंसी अनाउंसमेंट हो रही होती है, एक जाइंट क्रिएचर ने सिटी डी को तबाह कर दिया है और अब वो सिटी बी की तरफ बढ़ रहा है, सभी लोग यहाँ से जल्दी निकले। वो जाइंट मॉन्स्टर सिटी बी को भी तबाह करने लगता है। जाइंट मॉन्स्टर के शोल्डर की दूसरी तरफ साइतामा खड़ा होता है। साइतामा कहता है, कैसा लगता है सबसे ताकतवर होके। साइंटिस्ट कहता है, हाँ देखो तुम्हारे शोल्डर पर कोई है। साइतामा उस साइंटिस्ट को इग्नोर करते हुए कहता है जाइंट ह्यूमन से, तुम्हें पैंट्स पहन लेने चाहिए। साइंटिस्ट को ये पसंद नहीं आता कि साइतामा ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। साइंटिस्ट उस जाइंट ह्यूमन से कहता है, वो बंदा जो तुम्हारे शोल्डर पर है उसको मार दो। वो जाइंट मॉन्स्टर अपनी राइट साइड पर हाथ मारता है जहाँ उसका बड़ा भाई खड़ा होता है। जैसे ही वो अपना हाथ देखता है उसे पता चलता है कि उसने अपने बड़े भाई को मार दिया। वो कहता है, ये कैसे हो गया, मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट बनना था पर अब जब मैं आखिरकार स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। उस जाइंट ह्यूमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो साइतामा को अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो पर तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरा। इतना कहते ही वो साइतामा को एक बिल्डिंग में पटक देता है, लेकिन साइतामा को कुछ नहीं होता। जाइंट ह्यूमन साइतामा पर बार बार मुक्के मारता है, इससे एक बेहद ही बड़ा होल बन जाता है। वो जाइंट ह्यूमन कहता है, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ तो क्या, मुझे खाली सा महसूस हो रहा है। साइतामा उठते हुए कहता है ना। फिर साइतामा जम करके उस जाइंट ह्यूमन के मुंह पर एक पंच मार देता है और कहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होना बोरिंग होता है। वो जाइंट ह्यूमन सिटी बी पर गिर जाता है और उससे पूरी सिटी तबाह हो जाती है। रात हो चुकी है, वन पंच मैन एक शॉप से बाहर आके अपने मन में सोच रहा है, इसके कोई निशान नहीं कि बुराई इस दुनिया से ख़त्म हो रही है, ये तब से भी नहीं बदला जब से मैं हीरो बना हूँ। दूसरे शब्दों में तुम ये कह सकते हो, मैं कुछ नहीं बदल पाया, पर मैं इसके बारे में ज़्यादा दुखी नहीं, लेकिन कुछ है जो मुझे काफ़ी समय से परेशान कर रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं मेरे इमोशंस धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, डर, घबराहट, मज़ा, गुस्सा, मुझे इनमें से कुछ महसूस नहीं होता। शायद पावर के बदले मैंने कुछ ऐसा खो दिया जो एक इंसान रहने के लिए सबसे ज़रूरी है। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और अपने बारे में बोलने लगता है, लेकिन साइतामा यही सोच रहा होता है कि पहले मैं हर तरह के इमोशंस महसूस करता था जब मैं लड़ता था, जैसे डर, गुस्सा, घबराहट। फिर वो मॉन्स्टर साइतामा की तरफ उंगली करता है
और कहता है, अगर तुम मेरे रास्ते में आने की सोच रहे हो तो जो ये तुम्हारा बड़ा सर है हेडलाइट जैसा। पर इतने में ही साइतामा उसे पंच मार देता है और वो मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाता है। और साइतामा कहता है, पर अब मुझे सिर्फ एक पंच चाहिए ये सब खत्म करने के लिए। मैं अपने घर आता हूँ बिना घायल हुए और अपने ग्लव्स धुलता हूँ। जब मैं बाहर मॉन्स्टर से लड़ रहा होता हूँ मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरा दिल उसे करने में है। मेरा मतलब, मैं हीरो वाला काम करता हूँ एज अ हॉबी। दूसरे शब्दों में, मैं ये तब तक करूँगा जब तक मुझे इससे मज़ा नहीं मिलेगा, मुझे बस इतनी ही परवाह है। फिर साइतामा सो जाता है। अगले दिन सुबह साइतामा के घर पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और साइतामा को वहाँ से बाहर फेंक देता है। साइतामा का घर तबाह हो चुका है। तभी एक मॉन्स्टर उस पर फिर अटैक कर देता है जिससे वन पंच मैन दूर जा गिरता है। साइतामा के सर से खून आने लगता है और वो कहता है, ये मुश्किल लगता है, आखिर तुम हो कौन? मॉन्स्टर कहता है, मैं क्या हूँ? ये बहुत रूढ़ है, हम सच्चे पृथ्वीवासी हैं। साइतामा कहता है, हम? मॉन्स्टर कहता है, मुझे लगता है तुम हमें सब टेरेनियस कहते हो। हम ओवर पॉपुलेशन की वजह से सफ़र कर रहे हैं, इसलिए अब हम ग्राउंड के ऊपर की दुनिया को हासिल करने आए हैं। तभी ज़मीन से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि सरफेस पे भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ तुम हमारे रास्ते में हो, इसलिए हमने सोचा कि तुम सबको ख़त्म कर दिया जाए। जब से हमारा हमला शुरू हुआ है तब से 70% लोग मारे जा चुके हैं। ये सर्वाइवल की बैटल है, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे। पर ये अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि अब तक ऐसा कोई सरफेस पे रहने वाला नहीं मिला जो हमारे पंचेस से मरा ना हो। साइतामा कहता है, हम मेरे साथ भी ऐसा ही है। इस चीज़ को बहुत समय हो गया कि मुझे एक वर्दी अपोनेंट मिला हो जिनका नाम है सब टेरनियस। वो मॉन्स्टर साइतामा को गुस्से से मारते हुए कहता है, हम पृथ्वीवासी हैं। साइतामा वापस पलट के उसे एक पंच मारता है जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। ये देखकर बाकी सारे मॉन्स्टर चौंक जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये है कौन? साइतामा सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और एक एक करके सभी को मार रहा होता है, जिससे साइतामा को भी चोटें आ रही होती हैं। फिर एक मॉन्स्टर एक धमाका करता है और सभी मॉन्स्टर कहते हैं, ये ख़त्म हुआ, पर वो आखिर था कौन? तभी उस धमाके में से हमें दिखता है कि साइतामा अभी भी जिंदा है और वो कहता है, मैं वो आदमी जो मज़े के लिए हीरो बना, मैं हारता नहीं हूँ और अभी सरफेस मेरी प्रोटेक्शन में है। एक मॉन्स्टर कहता है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं तुम जैसे बेकार ह्यूमंस के लिए। फिर साइतामा उन पर लगातार हमले करने लगता है और मन में कहता है, ये कैसी फीलिंग है जो मेरे दिल में दौड़ रही है, ये जल्दबाजी, ये टेंशन, इसे इतना समय हो गया कि मैं भूल ही गया था कि असली लड़ाई कैसी होती है। सब तबाह हो चुका है, सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं, बारिश होने लगती है और साइतामा इस तबाही में अकेला खड़ा कहता है, ये वापस आ रहा है, ये यही फीलिंग है। तभी एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर आता है और वो कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, मैं सब टेरनियन किंग तुमसे लड़ेगा। साइतामा उस किंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ये वही फीलिंग है जिसकी मुझे तलाश थी। तभी अलार्म बजता है, साइतामा अलार्म पर घूसा मारता है और उठ जाता है। हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था और सब कुछ ठीक है। तभी साइतामा को आवाज़ आती है, ये सर्विस हमारी है, तुम सर्विस पर रहने वालों को मरना पड़ेगा, मैं सब टेरनियन किंग हूँ, सरफेस पर रहने वाले तैयार हो जाओ। साइतामा ऊपर से कूद के सब टेरनियन किंग के सर पर एक किक मारता है और कहता है, ठीक है आ जाओ। लेकिन वो सारे मॉन्स्टर साइतामा से डरकर वापस ज़मीन पर चले जाते हैं और एक वाइट फ्लैग छोड़ जाते हैं जिसमें लिखा होता है, इसके लिए माफ़ करना। वन पंच मैन कहता है, मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग बन गया।